मुझे लगा था स्नो में नहीं चलेगी। सबके घरों में ताले लगे हुए हैं। लड़की में बात तो है, एक परिंदा भी यहाँ पे फटक नहीं रहा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज की शुरुआत हो रही है दीपक ताल से। दीपक ताल, लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने विजिट किया, नवंबर के महीने में पूरी स्नो है फिर भी दीपक ताल तक हम पहुंच पाए। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा प्लान था गाइज, बिल्कुल भी प्लान नहीं था ये जो हमारा ट्रिप था, और काफी मजा आया। आपने लास्ट वीडियो में देखा, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, हमने कॉफी बनाई थी दीपक ताल, फ्रोजन दीपक ताल में। जा रहे हैं नीचे की तरफ, जो हमारा स्टे आज के लॉन्ग में है, बट उससे पहले हम कोई लोकेशन ढूंढने की अच्छी सी जहाँ पे धूप होगी, और वहाँ पे हम आज कुकिंग करेंगे शेफ बानू के साथ। बर्फीले पहाड़ और ये घूम घुमाती हुई सड़कें, इससे बेटर एक्सपीरियंस और कोई नहीं हो सकता गाइस। ये गाइस अभी ऑफ रोड पैच है थोड़ा सा, दीपक ताल से 2 किलोमीटर पीछे। ये बर्फ कितनी अच्छी लग रही है यार, और ये बीच बीच में ब्लैक आइस भी जमी हुई है जो दिखती नहीं है गाइस वीडियो में, बट एक्चुअल में वो ब्लैक आइस होती है, थोड़ा सा शाइनी सा सरफेस होता है, वहां पे टायर स्लिप करता है। इसलिए मैंने इसी खतरे से बचने के लिए मैंने पहले ही टायर्स का प्रेशर 20 से 25 के बीच में, PSI के बीच में करवा लिया था। तो गाइस अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कोई काम चल रहा है, BRO वाले सड़क को ठीक कर रहे हैं। ये JCB लगा हुआ है बड़ा सा, और साइड में ट्रक है, ये काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर निकलते हैं आगे। तो अभी गाइस रोड क्लियर हुई है थोड़ी सी, तो शायद हम निकल पाए। यस अभी हम निकल पाएंगे। तो सामने आप रोड देख रहे हो ना, ये इधर हमें नहीं जाना, ये शिंकुला टॉप को जा रही है, और ये जांसकर के पास जा रही है रोड। अभी हम जा रहे हैं वापस कलोंग वाली साइड में। चेक कर रहे हैं कि सरफेस कैसा है। अलाजो वैसे तो जा लंगी नहीं चाहिए गड्डी, भालू भूलू के पैर के निशान तो नहीं है ये। तो गाइस अभी हम वो पंगा ले रहे हैं जो किसी ने नहीं लिया होगा, बर्फ में हैरियर को चला रहे हैं। गाइस ये टायर देख रहे हो, ये हमने अभी स्नो से लेके आ रहे हैं इन टायरों को, और पूरा सही ग्रिप बनाया यार, कोई दिक्कत आई नहीं है हैरियर को वैसे। और ये क्या कर रही है अब इसको गर्म करके इसको वॉश करेंगे, और इस टाइम पूरा जिस्पा बंद पड़ा है, सारा जिस्पा। कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, देख लो सारा जिस्पा बंद पड़ा है, कोई भी होटल कोई होम स्टे खुला नहीं है, और हम अकेले धक्के खा रहे हैं यहाँ पे गाइस। सबके घरों में ताले लगे हुए हैं यहाँ पे, इधर हम कुकिंग करने के लिए रिवर्स। और ये मेरा शेर बग्गा, मजा आ गया यार, मुझे लगा था स्नो में नहीं चलेगी, बट अच्छी ग्रिप बनी है, देख रहे हो गीला गीला है, सारी स्नो लगी हुई है। बस कर रहे गाइस, ये तो चाय कर गई इसको तो बर्फ का चाय हो गया। तो अभी यार सामान निकाल रहे हैं खाने का, जगह हमें मिल चुकी है। ये जगह ज्यादातर लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं गर्मियों में जब ले का सीजन ऑन होता है। अभी पूरा जिस्पा खाली पड़ा है, सारा ब्लॉक है जिस्पा में कोई नहीं है, सारे होटल बंद है, सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, और अभी धूप है, जितने टाइम धूप है उतना टाइम हम टेम्परेचर को झेल पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि कुछ कुकिंग का बना लें। वहाँ पे रिवर है जो जिस्पा के टाउन में से जाती है, और काफी अच्छी लग रही है, ब्लू कलर की लग रही है, आपको दिखाऊंगा वो भी मैं। फिलहाल हम कुकिंग करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं वो तो हमें शेफ भानु बताएगी। तो क्या बना रहे हैं आज हम? आज हम ब्रोकली फ्राई बना रहे हैं। ये क्या होता है ये आप खा के बताना क्या होता है, कैसा होता है? सॉरी ये सुनने में तो बोरिंग सा लग रहा है शेफ भानु। हाँ बोरिंग सा ही लगेगा, पर खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये आपने कहाँ से देखी डिश? सीक्रेट बताऊँ? नहीं जाओ।
मानो। गाइस मस्ती भी करनी चाहिए, काम करते करते मस्ती अगर बंदा करता है ना तो काम काम नहीं लगता है ना। गाइस काम करते एक टाइम पास के लिए भी कोई चाहिए होता है ना, एंटरटेनर होने के लिए। वेरी गुड, सही बन गया। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कुकिंग भानु से। हाँ, और ये थोड़े दिन में कहेंगे चल मैं जा रहा हूँ, तू बैठ घर। तो गाइस ये है ब्रोकली जो हमने मनाली की सब्जी मंडी से ली थी, है ना? नहीं, मॉल रोड से। मॉल रोड से सब्जी मंडी थी ना, मॉल रोड के पीछे। हाँ, हाँ, तो ये हमें मिली तकरीबन, ये 80 रुपए किलो थी ना। 80 रुपए सस्ती है गाइस यहाँ पे पहाड़ों में ब्रोकली, हमारे उधर महंगी है थोड़ी सी। गाइस घी इतना जमा हुआ है ना, सर्दी में जमेगा ये। अगली बार से हम ऑलिव ऑयल लेके आएंगे, अच्छा घी भी रखेंगे और साथ में ऑलिव ऑयल लेके आएंगे, बहुत सारी जगह पे चलता नहीं ना। गरम मसाले? हाँ जी, सबसे पहले हमने जीरा और मेथी दाना और कड़ी पत्ता डाला और फिर गरम मसाला, उसके साथ ही ब्रोकली। वाह गाइस, आज तो ब्रोकली भी सेक्सी लग रही है। गाइस इसको हमें बस सौते करना है, उसके बाद बीच में ये सौते। हाँ। ये क्या होता है सौते? मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे पकाना नहीं, सिर्फ हल्का सा ऊपर से। गाइज ऑलमोस्ट जो सन है ना वो सेट हो चुका है, अभी सनसेट होने को है और टेम्परेचर अभी एकदम से गिरेगा, देखना आप। गाइज सूर्य देवता जो धोखा देते हुए और बहुत जल्दी से सूर्य जो है वो छिप जाता है लाहौल में, और 5 मिनट में पता भी नहीं चलता कि कैसे अभी वहाँ पे थे सूरज देवता, अभी नीचे हो गए हैं, तो अभी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा गाइस। इसलिए हमें ये है कि जल्दी से बना ले खा ले और फिर अपना जो जहाँ पे स्टे लिया हुआ है केलोंग में, वहाँ पे जाके रेस्ट कर लें। बन चुका है ये? हाँ जी, दिस इज ऑलमोस्ट डन, बस हल्का सा कच्चा लग रहा है। तो शेफ बानु बोल रहे 2 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हमारी डिश रेडी है, हम टेस्ट करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। और क्या। तो अभी धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो गई, ठंड लग रही अब। हाँ। पर मेरे पास जल्दी है ना हाथ सेकने के लिए। हाँ, जल्दी से ब्रोकली बनती है फिर हम खाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अपने केलोंग वाले होम स्टे में। जगह तो बहुत सुंदर लग रही है, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मौसम में, इस टाइम में जहाँ पे जिस पर बिल्कुल बंद है, एक परिंदा भी यहाँ पे फटक नहीं रहा, हम यहाँ पे फटक रहे हैं। लोगों के घर पे लॉक लगे हुए हैं। जहाँ हमने लास्ट टाइम स्टे किया था, लास्ट टाइम हमने जहाँ कैंपिंग की थी वो भी पूरा बंद था।
तो अभी आसपास से पूरे पहाड़ बर्फीले, इतना अच्छा नज़ारा आ रहा है। बीच में हम कर रहे हैं कुकिंग, और जो रास्ते से मैं लेके आऊँगा आपको दिखाऊंगा जब वापस भी जाएंगे ना, उस रास्ते से बिल्कुल स्नो पड़ी हुई है ज़मीन पे, बट हैरियर की ग्रिप बहुत अच्छी मिली, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी मिली, जिसकी वजह से गाड़ी की ग्रिप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आसानी से आ गई। गाइस हमारी डिश रेडी है, बस इसमें नींबू डालेंगे और फिर खाते हैं। फिलहाल हमारे जो हम बना रहे थे डिश, शेफ वाउन ने जो डिश बनाई थी वो रेडी हो चुकी है गाइस। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और इस वादियों का नज़ारा लेंगे जो कि बहुत कम लोग ले पाते हैं नवंबर में, जिस पर बहुत कम लोग आते हैं, आपको फिर बता रहा हूँ मैं। तो गाइस ये जूसेस जो हमने कल आंटी से लिए थे ये हम साथ में पियेंगे ब्रोकली के साथ। अभी टेस्ट कर रहे हैं गाइस, लड़की में बात तो है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ब्रोकली इतनी टेस्टी लग सकती है गाइस, और ये है बहुत हेल्दी, इसको ज्यादा पकाया भी नहीं। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स में बताओ आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और पूरा एडवेंचर हो रहा है स्नो में हैरियर को लेके, और कैंपिंग भी हो रही है, कुकिंग भी हो रही है, एक्सट्रीम लेवल तक जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं हैरियर की कैपेबिलिटी को, और हमारी शेफ भानु जो हमें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, और थैंक यू सो मच, यू वेलकम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया।